के बीच में एक एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक लेकर, और आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लैक फंगस। अगर जो लोग मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हैं और जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने मुझसे कुंडली कंसल्टेशन कराई है, जिन लोगों ने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं बहुत अच्छे से, तो उनको याद होगा ज़रूर कि मैंने बहुत पहले ही इसका बोला था कि कोई ना कोई नया वायरस या पुरानी बीमारी आ सकती है सामने। जो लोग अच्छे से स्टेटस देखते हैं उनको पता होगा, एक दो महीने पहले मैंने चीज़ डाली थी और लिख के डाली थी। ये बात भी आपको, जो लोग को देखते हैं उनको याद होगा, जो लोग नहीं देख पाते अच्छे से, जो लोग उन चीज़ों पर गौर नहीं करते, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दूसरा ये कि ब्लैक फंगस क्यों आया। राहु इस समय बहुत पावरफुल है, वृषभ राशि में पावरफुल होता है, मित्र की राशि है शुक्र की, इसलिए कहीं ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगा ये, इसलिए दिक्कत मत लो। पर ये बीमारी जो हो रही है ब्लैक फंगस, ये आई थिंक पुरानी है, कोई कोई कह रहा है पुरानी है, डेफिनेटली पुरानी होगी, पर ये एकदम उठ के बाहर आई है ना, तो इसका भी ट्रीटमेंट तो ज़रूर कोई ना कोई ढूंढ लेगा। बट हम बात करते हैं कि क्या, और वैसे भी वृषभ का अगर काल पुरुष की कुंडली है, मैं आप लोगों को समझा हूँ, तो जो अपनी वृषभ राशि होती है वो सेकंड हाउस में आती है। वृषभ राशि रिप्रेजेंट क्या करती है, मैं आपको बता दूँ, जो हमारा चेहरा होता है ना, जो हमारे फेस की ब्यूटी होती है, नोज, आईज, लिप्स, ये वृषभ राशि के मेन पार्ट होते हैं जो कि वो रिप्रेजेंट करती है। और उसी पर राहु, अभी राहु मतलब यानी कि ब्लैक फंगस का अटैक उसी पर ज़्यादातर दिख रहा है, यानी कि पूरे फेस पे ही दिख रहा है डेफिनेटली, तो सेकंड हाउस में राहु है इस समय। और वैसे भी जब ये मरकरी, आप लोगों को याद होगा जब मरकरी ने ट्रांजिट किया था उसके बाद ही है ये थोड़ा उठ के आया है। और मरकरी 26 मई को वापस से मिथुन में जाएगा और फिर 14 जून को शायद सूर्य भी अपनी राशि परिवर्तन करके मिथुन में जाएगा। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जून में ये वायरस थोड़ा हल्का हल्का पन्ना चालू हो जाएगा, इसके भी केसेस बहुत कम हो जाएंगे। बट उनको ज़रूर खतरा है, जिन लोगों को कोरोना हुआ है, जिन लोगों को डायबिटीज पेशेंट है, जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, पर हमें नहीं डरना चाहिए। देखिए अभी और चीज़ें भी वापस से निकल के आ सकती हैं बाहर, चाहे वो पुरानी से पुरानी हो, कुछ भी हो। राहु जब तक वृषभ में वो तांडव जरूर करता है, पर रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उसको इतना कंट्रोल में रखता है, चंद्रमा का काम है कि किसी भी ग्रह को कंट्रोल में करना। और बाकी अगर देखा जाए तो हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है इस समय। और डेफिनेटली अगर मैं बात कर रहा हूँ या राहु की, तो आप लोगों को इस समय थोड़ा अभी, और वैसे भी अभी देव गुरु बृहस्पति की जो वो है कुंभ में चल रहे हैं और उनकी पंचम दृष्टि से वो सेकंड हाउस को भी देखते हैं, तो आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। थोड़ी हवा चल रही है दोस्तों बाहर, इसलिए थोड़ी आवाज़ आई, तो आप लोगों को इस समय सावधान रहना चाहिए। और आपको सिंपल सी रेमेडीज बता दूंगा, वो आप करते रहें घर में, जो लोग अभी लॉकडाउन है डेफिनेटली। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि जून जुलाई में कंटेनमेंट जोन चालू हो जाएंगे, लॉकडाउन वापस से अपना जून से ही आपको दिखना चालू हो जाएगा, जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकता है सही भी, बट डेफिनेटली मेरा अभी तक के जितने प्रेडिक्शन है थोड़े तो सही हुए, तो खुलना चालू हो जाएंगे, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दो और उन लोगों को शेयर करो जो लोग ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं।